देश भर में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया गया। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बागेश्वर धाम जाकर बालाजी हनुमान के दर्शन किए और बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि उन्हें यहां आकर आनंद की प्राप्ति होती है। छतरपुर के बागेश्वर धाम में भी गुरु पूर्णिमा का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। बालाजी हनुमान के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु यहां आए हुए थे। श्रद्धालुओं को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से गुरु दीक्षा मिली। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने गुरु पूर्णिमा की महिमा बताते हुए कहा कि जीवन में गुरु का स्थान सबसे ऊपर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुरु को पकड़ने की वजह गुरु की दी हुई शिक्षाओं को पकड़ें और उसे जीवन में उतारें। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उन्हें यहां आकर बहुत अच्छा लगा, आनंद की प्राप्ति हुई। समूचे भारत वर्ष वासियों को गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की शुभकामनाएं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की। हनुमान जी जैसा सदगुरु हो क्या करें। गुरु को पकड़ने की बजाय गुरु के वक्तव्य को पकड़ें। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। और दूसरी बात, गुरु को तो सम्मानते पर गुरु की कोई नहीं मानता, और गुरु वही है जो शिष्य का हाथ पकड़ कर प्रणाम करता है। क्या संदेश होगा विशेष गुरु जी की ओर से कि गुरु को बागेश्वर पीठ से? यही है, गुरु के संकल्पों का निर्वाहन करना शिष्य का धर्म है, और सनातनियों की एकता हो और भारत में सौहार्दता हो, यही मंगल कामना। अच्छा लगा, मन आनंदित तो प्रकृत हुआ, आत्मा आत्मविवर हुई। गुरु पूर्णिमा का अवसर है, बागेश्वर धाम हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद दिया, कृपा दिया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।